आईब्रो का फील और शेप टेक्निक के द्वारा कैसे ब्यूटीफुली बना सकते हैं। हाय, मेरा नाम सोतम और आप देख रहे हैं सोतम फोटोग्राफी का यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैंने पहले ही करके रखा था। ये देखिए, ये पहला ओरिजिनल आईब्रो है और उसके रिटच के बाद ऐसे आया। कैसे किया जाता है अब देख सकते हैं। देखिए, मैं ये जो पहले किया था वो डिलीट कर देता हूँ पहले। उसके बाद ये बेस लेयर है, एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ कंट्रोल जे पेस्ट करके। उसके बाद अभी देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये फॉर्म में नहीं है, एक शेप में नहीं है, पहले बात ये है। और दूसरा बात जो है, ये डार्क करना है और इसमें हेयर भी बहुत कम है। तो अभी करना क्या है, पहले छोटा मोटा जो एडजस्टमेंट है वो ठीक कर लेता हूँ। एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे प्लस बटन में क्लिक करके। उसके बाद एक क्लोन स्टैम्प टूल लेकर एक छोटा मोटा देखिए कैसे कर रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द तैयार करने का। एकदम परफेक्ट ना हो, आप टाइम दीजिए, आप ट्राई कीजिए, परफेक्ट हो सकते हैं। जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे उतना ही परफेक्ट होगा। ठीक है, अभी ठीक ठाक है। उसके बाद करना क्या है, हेयर ड्रॉ करना है। वो हेयर ड्रॉ कैसे करेंगे, फिर भी एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करना है। उसके बाद इसका नाम दे देता हूँ, ये लेयर का हेयर। अभी देखिए, ये ब्रश ले रहा हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, हार्ड राउंड ले सकते हैं, सॉफ्ट राउंड ले सकते हैं। सॉफ्ट राउंड अभी ले लूंगा, उसका हार्डनेस ज्यादा कर दूंगा। और इमेज के हिसाब से ये ब्रश का साइज होगा। अभी देखिए, पहले देखिए ये जो हेयर ड्रॉ करूंगा, हेयर ड्रॉ सॉरी व्हाइट ब्लैक फोरग्राउंड लेना है। फ्लो देखिए, यार ऐसे होता नहीं है। क्या होता है, ये लास्ट में धीरे धीरे फेड हो जाता है। इसके लिए ब्रश प्रॉपर्टीज चेंज करना होगा। ब्रश प्रॉपर्टीज अभी करना है कि शेप डायनामिक्स। बाद ये देखिए, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। पेन प्रेशर भी है। जो लोग ग्राफिक्स डिजाइनर टैबलेट यूज़ करते हैं वो लोग पेन प्रेशर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं माउस में कम रहा हूँ इसलिए फेड लेना है। और A50 ठीक है। अब देखिए ऐसे धीरे धीरे छोटा हो जा रहा है। तो देखिए कैसे आ रहा है, अभी भी छोटा है। ठीक है, अभी इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने से थोड़ा दिक्कत होगा, इसके लिए आपको ये काम इजी करने के लिए आपको ये इमेज आप रोटेट कर सकते हैं। सिर्फ 8 पीस करके आप घुमा सकते हैं इसको ऐसे करके, तो काम में इजी हो जाएगा। देन आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। ये इमेज आपको बहुत ही अजीब सा लगेगा अभी, तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखते जा रहिए मैं क्या कर रहा हूँ।
अब जैसे जैसे पैटर्न में हेयर है आप ड्रॉ करते जाइए। ठीक है, अभी करना क्या है, ये जो एक्स्ट्रा चला गया, एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा को रिमूव करना है। इसके लिए सिर्फ एक ही बहुत इजी तरीका है, ये करके आप ब्रश के साइज बढ़ा लेना है। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज से मैं ये अनटिक कर देता हूँ। अभी सिंपल पहले जैसा था वैसे ही ब्रश हो गया। अभी ये देखिए एक्स्ट्रा को मैं रिमूव करके ला रहा हूँ, ठीक है मेरे हिसाब से। लेकिन ये सभी लोग देख सकते हैं, ये समझ में आ जाएगा, ये पूरा अननेचुरल लग रहा है, ये ड्रॉ किया है। ये और नेचुरल बनाने के लिए क्या करना है, इसका ओपेसिटी कम कर देना है। धीरे धीरे आप देखते जाइए, जब मैच हो जाएगा तब आप छोड़ देंगे। थर्टी फाइव तक ठीक है। अब देखिए ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये फील का काम हो गया हम लोग। अभी करना क्या है, ये शेप देना है। शेप देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए फिर से एम्प्टी लेयर क्रिएट करना है। उसके बाद धीरे धीरे आंखों का साइड से ड्रॉ करना है। अगर ये ग्राफिक टैबलेट होगा तो और भी अच्छा होगा, नहीं तो फिर भी आप ट्राई कर अगर करेंगे तो ये आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें फेदर लगाना है। ठीक है, फेदर अगर फेदर लगाएंगे तो इसका प्रीव्यू नहीं दिखाई देगा, कितना हो रहा है फेदर नहीं दिखाई देगा प्रीव्यू में। तो आप क्या कर सकते हैं, ये क्विक क्यू प्रेस करके देख सकते हैं। उसके बाद आप फेदर को ब्लर, सॉरी मास्क को ब्लर लगा सकते हैं। ब्लर में यह कर आप देखिए कितना ब्लर लगाना है, आप टीवी देख सकते, देखिए ये देखिए आप देख सकते। इसलिए अभी 15 ठीक है, फिर से क्यू प्रेस करना होगा। सिलेक्शन रेडी है, उसके बाद जो लेयर पे मैं काम कर रहा हूँ उसका एक ये सिलेक्शन का कॉपी बनाना है कंट्रोल जे प्रेस करके। उसके बाद देखिए ठीक है, लेकिन देखिए इधर एक ये जो पार्ट है ये दोनों स्किन टोन का चेंज हो गया। इसके लिए ये साइड में डिलीट कर देना है। डिलीट कैसे करूँगा, वो एक ही तरीका है मॉक, और अभी ब्रश कर देना है। देखिए हार्डनेस जीरो कर दे रहा हूँ।
टॉपिक कवर करते हैं। वैसे ही जो इधर है, इधर भी आप कर सकते हैं। अभी देखिए ये सब ग्रुप कर लेता हूँ, ये देखिए। फिर भी बहुत सारे इधर एडजस्ट करना है, इधर कलर टोन चेंज हो गया। इसके रिगार्डिंग एक टिप देता हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए मैं एक स्टैम्प विजिबल लेयर क्रिएट किया है, उसके बाद कलर मिक्स कर सकते हैं आप। फिर मिक्सर ब्रश टूल चूज करके, ये देखिए मिक्सर ब्रश टूल, उसका इधर ये क्लीन ब्रश सिलेक्ट करके और वेट 1% रख सकते हैं, बाकी सब जैसे ही है, बाय डिफॉल्ट वैसे ही रहेगा। अभी देखिए इन दोनों में जो जिधर जिधर आपको प्रॉब्लम लग रहा है कलर टोन का, आप मिक्स कर सकते हैं, ऐसे धीरे धीरे मिक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले ही बोला आप जितना टाइम देंगे उतना ही एक्यूरेट होगा, उतना ही अच्छा होगा। इधर भी ये इस पिक्चर में बहुत सारे गलती है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको दिखाया, प्रोसेस सिस्टम दिखाया, लेकिन गलती बहुत सारी है। अब टाइम देंगे ज़्यादा और भी अच्छा होगा। अभी थोड़ा सा अगर डार्क करना चाहते हैं तो आईब्रो तो आप और एक कार्प एडजस्टमेंट लेकर आप इन्वर्ट मार्क्स इन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद फिर पेंट कर देंगे। अगर मार्क्स ब्लैक है तो फोरग्राउंड कलर व्हाइट लेना होगा, सॉरी करना है। तो ये काम मेरा फाइनल हो गया। तो सबका एक ग्रुप बना लेता हूँ। तो देखिए ये पहला वाला फोटो है, बाद में बिफोर वाला, आफ्टर वाला, बिफोर आफ्टर। तो गाइस ये वीडियो कैसे लगा? ये मेरा दूसरा वीडियो है, पहले और एक भी किया था, आप देख सकते हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आँखों का कुछ सेकेंड में कैसे रिटच कर जा सकते हैं, एनहांस कर जा सकते हैं, वो वीडियो मैंने पहले बनाया है। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है, और भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा बनाने का। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं। तो ठीक है, टाटा बाय बाय। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर नहीं अच्छा लगा तो भी आप लिख सकते हैं, और नया नया वीडियो पहले देखने के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।